गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? क्योंकि मैं तो बहुत नींद में हूँ। ठंड में मैं अपने दिल पे पत्थर रख के वीडियो बनाने के लिए निकली हूँ लेकिन बहुत सुंदर है। अब मैं जा रही हूँ, मैं किसी को पकड़ूंगी कि मुझे प्लीज मेरी वीडियो बना दो। मैं एक शिकार पकड़ के लाई हूँ जो मेरी वीडियो बनाएगा, मैं वहां तक जाऊंगी। शिकार? मैं अपनी वीडियो में बोली भी थी कि ना मैं लड़कों के रूम में जा रही हूँ, किसी एक बंदे को पकड़ने जो मेरे ऊपर जाके वीडियो बनाएगा। चल चल, ध्यान से चलियो, सामने देख के भी चल। गाइस, तुम इस चैनल को देख तो रहे हो, वीडियो को कोई सब्सक्राइब मत करना। कुछ नहीं रखा, कहाँ का तुम नोटिफिकेशन भरोगे अपने फोन में? सांप को पाल रहा था। बार बार नोटिफिकेशन आएगी वीडियो की। मैंने गली फोटो वीडियो का मैंने चालू किया। मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि पूरे बाल गीले हो चुके हैं और मैं फटाफट नहाऊंगी। नहाने का मन तो नहीं कर रहा गाइस, लेकिन फिर भी मैं नहाऊंगी। अब हम आ गए हैं बाहर। नहीं, सिर्फ नहीं, हमारे पास एक घंटा रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्ड एक घंटा है सिर्फ हमारे पास वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद हम निकल जाएंगे। ओके, जाएंगे कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे इससे भी ऊपर। जैकेट ब्लैक एंड व्हाइट लगी, इसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। इससे भी ऊपर मरना है क्या? इससे भी ऊपर? हाँ, इधर जाएंगे उधर। भैया कितना प्यारा है, हमसे जाते कि ओए हेलो। हाँ जी, जाने दे भाई, मेरे पर आ जाएगा ये। आ जा लगू, इधर आओ। ये रहा मेरा चश्मा, गए ये रहा मेरे पास, ये लो, इसमें से ले लो। दीदी ये वाला वीडियो लो, दीदी सामने से मेरा सिनेमैटिक बना रही हूँ। चल हम पूरे, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, पूरा इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है ना यहाँ पे। बहुत प्यारे प्यारे डॉगीज हैं और पूरा उसके अंदर भग भग के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं पूरे उसमें। और ये देखो, ये मैडम 4 बार अपना सर इसके अंदर दे चुकी है और अभी भी कह रही है मेरे को ना एक और वीडियो बना। बीमार हो गया ना, पता लगेगा अच्छे से। बहुत मजा आ रहा है लेकिन बस, लेकिन हम अब अंदर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही हम सुबह से खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस हो चुकी है, डन। अब हम जा रहे हैं दोबारा से अपने होटल और हमें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि ना बहुत चक्कर है कि हमें 8 बजे हमारी फ्लाइट है, दूसरा हमारा शो है। मतलब बहुत बहुत उबड़ खाबड़ सीन है, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा, फटाफट चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं होटल और खाना खाएंगे। बाय गाइस। गाइस, हम कोई बाहर शैतानी वैतानी नहीं करने जा रहे हैं आज रात को, क्योंकि आज रात बहुत बहुत भारी भरकम तूफान आया हुआ है बाहर और सुबह से चल रही है स्नोफॉल और अभी तक नहीं रुकी है। तो अब हम सब सो रहे हैं, आराम से सोने जा रहे हैं। बाहर तो निकलने का इतना सा भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आप सबके लिए जाती हूँ बाहर और वीडियो बना के लाती हूँ छोटी सी। अभी तो थोड़ा बहुत रुका हुआ है, एकदम से चलता है एकदम से बंद हो जाता है और स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी सारी हमारे यहाँ पर ही बहुत सारी हो गई है। ये बहुत सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर है, जितना देखो उतना कम है। ये तो मेरे को कार्टून जैसा लग रहा है घर, जैसे कार्टून में आता है ना टॉम एंड जेरी में, वैसा बिल्कुल एकदम। हम जा रहे हैं इतनी प्यारी जगह को छोड़ के आज। तो सुंदर है और मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मन कर रहा यहीं पे रहती रहूँ, यहीं रहती रहूँ। सामने दिखाओ, और एक वो वाला क्या बोलते हैं जो अनुष्का वाला है, सामने दिखाओ, सामने।
अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, जबकि ठंड तो बहुत है, लेकिन ठंड में रहना भी है, ठंड में रहना भी है, ठंड में नहीं भी रहना, और ये हमारे लिए थोड़ी नई जगह भी है। लेकिन बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है ना कि मतलब मन नहीं कर रहा है छोड़ के जाने का। सही बात है, यहाँ पे रील्स बहुत सुंदर बनती, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। धूप आ गई और अभी भी नहीं है, और धूप आ गई, रुको हम धूप में अपना ग्लो दिखाते हैं, आओ। बहुत मजा, देखिए इतनी सुंदर जगह है ना, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना वो नहीं जा सकते यहाँ को छोड़ के। सही बात है, मुझे भैया हमें बता रहे थे कि मैं कश्मीर को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकते यार हम दो दिन नहीं। चलो ठीक है, हमें तो हम तो बर्फ बुरफ देख के खेल के हमारे दो दिन की कहानी है हमारे लिए तो, लेकिन जो लोग यहाँ से बचपन से रह रहे हैं ना वो नहीं जा सकते इस जगह को कहीं भी छोड़ के। हमें दो दिन में ऐसा हो रहा, हम क्यों जा रहे हैं। ओके गाइस, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, हम जा रहे हैं। ये बहुत फिसलन भरा रास्ता है, मैं दो बार गिर चुकी हूँ और तीन बार गिरते हुए बची हूँ, इसलिए फोन चलाना सख्त मना है। बाय। मैं दिव्या जी, आप सही कह रहे थे, दो दिन पहले हम क्या कर रहे थे इस में ना, नहीं हम बर्फीले तूफान में मजा कर रहे थे, मजा वीडियो बना रहे हैं, दिमाग है ना, पता ही नहीं था। हाँ हमें ऐसा लगा खतरा है, अब देखो अब ज्यादा दूर, जब अब ये ना खाली जगह है, मतलब थोड़ी सी ऐसी सी जगह थी, मतलब ज्यादा दिख नहीं रहा था, ये पूरी खाली जगह है और यहाँ पे आसपास से दिख रहा है कि आसमान इधर इधर से आ रहे हैं, आसमान नहीं मतलब तूफान आ रहे हैं। हमारी गाड़ी भी बीच बीच में फंस रही है, अब तुम जितनी जल्दी हो सके ना पहुँच जाए बस हमने एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे मिलते हैं, बीच में कुछ यार मैं तो कह रही हूँ देख लो, शोकी मिस मत करो, सुनते रहो भैया की बात, वही तो कह रही हूँ। हम उतरे हैं और हमारी गाड़ी बड़ी चेंज हो रही है, और फिर इसके बाद हम सीधा श्रीनगर से रहते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी बदल गई है और हम अब जा रहे हैं सीधा वहाँ पे, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, सारे हमें यानी बाय बाय करके जा रहे हैं और कह रहे हैं अगली बार आओगे तो घर लेके जाएंगे छोटी, बस प्यारे लोग हैं सारे के सारे। अब हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी चेंज हो गई है, यहाँ पे ना चेकिंग वेकिंग का बहुत सिस्टम है कि ये चेक करना वो चेक करना, तो उसी वजह से बार बार हमारी चीज़ें चेक हो रही हैं और हम रुक रहे हैं, कश्मीर तभी आना था क्योंकि मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि ना बस यहाँ आके बस गोरे गोरे से हो जाओ। भाई गाइस मैं सो रही हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, दिखाना सबको वो करो ना डिम्पल, डिम्पल को दिखा दो सबको अपना, अभी ठंड में सब गायब हो गया, डिम्पल डिम्पल सब गायब। आप बहुत लंबे लग रहे हो, तो लंबा हूँ क्या, लग क्या रहा है ऐसे आ रहा हूँ देखा, नीचे लग रहे हो वैसे छठू से लग रहे हो, मेरी वीडियो बनाना कैच करके साइड कर दो ना। देख ना ली व्हाइट पैंट को ब्लैक कर दो ऐसा यार, ऊपर तो ठंड लग रही थी, क्या बोलना चाहते हैं आप, बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं लग रही थी, यहाँ लग रही है ना, सारी हम पहुंच गए एयरपोर्ट और
हम पहुँच गए एयरपोर्ट और अब ये सब ट्रैकिंग वेकिंग चल रही है। इसके बाद हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की, हम पहुँच जाएंगे। शायद हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले, मतलब ऊपर डिले हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान वूफान आ रहा था गुलमार्ग में। अपना चेक इन वेकिंग करा रहे हैं, सामान वामान रखवा रहे हैं पहले, उसके बाद जाएंगे। मन नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ के जाने का, वही दिल्ली में दोबारा से गर्मी गर्मी गर्मी। यहाँ पे ना मतलब इतना सुंदर, मतलब इतनी सुंदर जगह की, मतलब ना इतनी मतलब फ़ोटोज़ भी ले लो ना तो भी तुम्हारा कुछ हो नहीं है, फ़ोटोज़ भी कोई मुकाबला नहीं कर सकती। इतना सुंदर था सब कुछ, इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि तुम लोग बैठ के उसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो और फिर भी ना मन नहीं भरेगा। हमारा भी ना मन नहीं भर रहा था, हम भी बस बैठ के, हम 2 दिन थक गए अपना ये सब कुछ करके, स्नो वनो से खेल गए, फिर हम रात को बैठ के ना उसे सिर्फ देखते थे कि कितना सुंदर है, क्या चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा था। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन बस जाना पड़ रहा है। अब दिल्ली आके इतना गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी, सही नहीं जाएगी वो गर्मी, मतलब सही हो रहा है। दिल्ली जाके बहुत गर्मी लगेगी। ये पीछे कौन जा रहा है? सेम रूटीन सेम चीज़, नो बर्फ नो ठंड ओनली गर्मी, वो भी दिल्ली की। बाय बाय, टेक केयर।